सभी को मेरा नमस्ते। मेरे YouTube चैनल सोमकली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज वाटर क्रेस सब्जी तोड़ने जा रही हूँ। ये सब्जी पानी में होने वाला सब्जी है, तो मैं दौड़ दौड़ के जा रही हूँ। थोड़ी बारिश की संभावना हो रही है क्योंकि आज मौसम भी ठंडा है, तो मैंने सोचा कि मैं ये सब्जी तोड़ के इसकी सब्जी बनाऊँ। तो हमारे यहाँ क्यारी पे होता है ये सब्जी और नदी में भी होता है। तो मैं सब्जी तोड़ रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसे दूसरा नाम जलकुंभी भी कहा जाता है। ये जलकुंभी सब्जी किसी भी तालाब या रुके हुए पानी में आसानी से उग जाता है। बहुत सारे लोग इसे घास भूस मानकर लोग फेंक देते हैं, लेकिन ये आयुर्वेदिक में जलकुंभी को काफ़ी फायदेमंद माना गया है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है वे जल्दी जल्दी खांसी जुखाम और बुखार के शिकार हो जाते हैं, लेकिन जलकुंभी के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इम्यूनिटी मजबूत होने से खांसी जुखाम और बुखार ही नहीं बल्कि कई अन्य तरह की परेशानी भी दूर हो जाती है। तो मैंने अपने सब्जी से बैग भर दिया है, तो इस सब्जी को मैं अब घर जाके अच्छी तरह से धोकर बनाने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ ये सब्जी दिसंबर से लेके मार्च तक होता है, फिर इसके बाद दूसरा सब्जी भी तैयार होता है। तो मैं इसे साफ तरी से धुलूँगी, 9-10 बार मैं इसे धुलते जाऊँगी जब तक ये अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें थोड़े बारीक बारीक घास भी होते हैं, इसे अच्छी तरह से देखना होता है। इसको अच्छी तरह से साफ करूँगी और जो इसके जड़ होते वाइट वाइट से जड़ देखे होंगे आपने, इसके जड़ भी अच्छी तरह से निकालना है। अब मैं इसको काट रही हूँ। मैंने इसके देखा होगा आपने, इस पर एक भी जड़ नहीं है। मैंने अच्छी तरह से जड़ निकाल के और साफ धुल के काटा है। अब मैं इस कढ़ाई पे तेल डालूँगी। सब्जी बनाने के लिए मैंने धनिया और जीरा लाल मिर्च ये तीन चीज़ लिया है, इनसे बनाऊँगी मैं। तो आप इसे उबाल के भी बना सकते हैं। तो ये ब्राउन हो गया, मैं इसमें सब्जी डालूँगी। तो इस सब्जी को अच्छी तरह से पकने दूँगी। जब तक ये अच्छी तरह से नहीं पका मैं इसे चलाते रहूँगी। तो इसे ढकना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह बनाना है। तो मैंने नमक स्वाद अनुसार नमक लिया है, तो आप इसी तरह इसको बनाते रहें। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनने वाला है, थोड़ी देर के बाद ये बनने वाला है। आप देखिए यहाँ पर तेल निकल रहा है सब्जी से, तो ये बन गया है। तो आप इसे उबाल के भी बना सकते हैं और सलाद के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बनकर हो गया तैयार। यदि आपको आज का मेरा रेसिपी पसंद आया है तो मेरे वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।